तो भाई दोनों ही किलर बाइक है, मतलब सेगमेंट किलर बाइक है। यहाँ 150 cc की सेगमेंट किलर बाइक अपने पास ये खड़ी R15M, वो भी टॉप मॉडल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि TFT डिस्प्ले इसके अंदर। और ये अपनी करिश्मा XMR 200 cc की सेगमेंट किलर बाइक है। और इस BHP इसके अंदर आती है तकरीबन 25 और NM आता है 20। इसके अंदर आता है 18 का BHP और आती है NM जो है वो 14 का। थोड़ा सा लड़खड़ा आ रहा हूँ, कोई नहीं, चाय वगैरह पीने जा रहे थे। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, वो एक चीज़ भी जानने वाली है। छोटा सा एक ना राइड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे सिटीज में कितनी बेहतर है और कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है गाड़ी चलाने के लिए, और कितने ही ज़्यादा निखर के आती है दोनों गाड़ियों में से। क्या वाइब्रेशन, क्या हीटिंग इशू, क्या ट्रैफिक फिल्टर करना किस गाड़ी में कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है, विच वन इज़ बेस्ट फॉर सिटी, वो चीज़ भी एक चीज़ देख लेंगे। प्राइस की अगर बात करें तो वो 233,000 रुपये की आती है और 203,000 या 204,000 रुपये की आती है। तो मोटा मोटा 30,000 रुपये का 25,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में, जबकि ये 200 cc की है ये सस्ती है और ये 150 cc की है ये है महंगी। नित्तू चलाएगा वो चलाएंगे, फिर आराम से चेंज करते हुए थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहेंगे। नित्तू से भी पूछ लेंगे उसको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। R15 चलाऊंगा और बाकी बातें अब चलते चलते करेंगे। इसके अंदर भाई फुल्ली लोडेड का बहुत सारे फीचर हैं जो उसके अंदर नहीं है, जस्ट लाइक मेरा पर्सनल फेवरेट क्विक शिफ्टर। पैर तो मेरे ठीक ठाक ही आ रहे हैं। चलो हाँ वही तो दिखा रहा हूँ, और जबकि 815 mm है, पता नहीं वो 810 mm में उसमें ज़्यादा कम पैर आते हैं, ये 815 इसमें ज़्यादा आते हैं। चलो आ जा नॉर्मल चलाते पहले, टनंग टन झटका तो ये भी देती है, पूरा पुल वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं इसकी। आहा वैसे ये ना थोड़ी सी उसके मुकाबले एग्रेसिव ज़्यादा है, बाकी चलो देखते हैं ये एग्रेसिवनेस कितनी देर तक रहती है, क्योंकि हमें तो थोड़ी बहुत आदत है एग्रेसिव बाइक चलाने की, बाकी जो बिगिनर बंदा होगा तो उसको तो स्पोर्ट टूरर में भी थोड़ा बहुत दर्द हो जाएगा जो एकदम नया नया ही आएगा। कहाँ रह गए ये, आ गया ये चल रही बाइक। और क्लच वगैरह भाई इसका बहुत लाइट है, टॉप मॉडल है 2024 वाला कहूँगा इसे मैं, तो समझ जाना कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ मॉन्स्टर एडिशन की। वाइब्रेशन के नाम पे तो भाई यामाहा एकदम जीरो चीजें देता है, जीरो एक्सपेक्ट मत करना। ओ वैसे यामाहा के अंदर एक चीज है, जब तक इसके अंदर सेकंड वॉल्व एक्टिवेट नहीं होगा ना, VV एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक इसकी पावर जो है वो आगे निकल के नहीं आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा zigzag करते हैं, आने दो XMR को। टैकल तो भाई आप ट्रैफिक में कहीं पे भी ले जाओ उसे, किसी भी गली में मोड़ दो, किसी भी चौराहे पे कटपेल दो इसको, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने की कह दो। हाँ गियर डाउन जरूर करना पड़ेगा पर इजी बहुत है। आगे नित्तू XMR लेके भी पीछे रह रहा है, आओ। अबे इसका तो गियर ही डाउन में पड़ा है, बगल बगल में चल रही दोनों गाड़ियां। नित्तू ट्रैफिक में फंस गया। सौ में भी कुछ वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर, सही है। आ रही है XMR, आ रही है। थोड़ा सा मौका देता हूँ, निकल गई, गलत दे दिया मौका, फंस गया। वाइब्रेशन के नाम पे तो जीरो है भाई गाड़ी में। ओए पुलिस वाले पकड़ रहे चलते फिरते भी भाई। पावर का आपको मजा तभी मिलेगा जब तक इसके अंदर सेकंड वॉल्व एक्टिवेट नहीं होगा, वीवी एक्टिवेट नहीं होगा। और एक प्लस पॉइंट इसका ये भी हो जाता है कि इसका जो क्लच वगैरह है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत 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 ज़्यादा भाई, सीरियसली देखो एक फिंगर से कोई सी भी फिंगर उठा लो आप उससे भी इजीली मनोवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको। शिफ्ट कितनी प्यारी बना रखी है उन्होंने, देखो सही लग रही है।
3200 स्विफ्ट है ये। और एक चीज़ हो रहा है कि 135-40 के बाद ना ये स्ट्रगल बहुत करती है R15, ये चीज़ मैंने देखी है। 135 तक तो आराम से चली जाती है, उसके बाद ये स्ट्रगल करती है। इसमें यार बहुत झुक के बैठना पड़ेगा, आप जब नए नए आओगे ना इस पर तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, देखना आप। अब चलो मैं XMR चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस ऐसी थोड़ा सा सिटी विटी को देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे और थोड़ा सा एक फन टू राइड है। चलो 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 चलो, भगाता क्यों नहीं है बे, भगाता क्यों नहीं है? हाँ भगाऊं, और भगाऊं क्या, चलाने के। चलो थोड़ा सा चलाते हैं फिर देख लेंगे। यार ये तो इसकी अलग ही दिक्कत है, जो मेरे उस पर बढ़िया आ रहे थे इस पर बेकार आ रहे हैं। अच्छा लेवल उसका देख लो, अप हो गया हैंडल का, ऊंचा हो गया हैंडल, इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा। ओबे यार R15 को चला के इस पे आया तो वाइब्रेशन फील हो रही है, वैसे मुझे इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील होती नहीं है। TCS ऑफ कर ले, ओ बराबर चली आ गया। इसमें तो ऐसा लग रहा है मैं कितना ऊंचा होकर बैठा हूँ, इसका सस्पेंशन बहुत बेकार है यार, टेलीस्कोपिक है, उछलते रहते हैं। ब्रेक XMR की थोड़ी सी मेरे को अच्छी लगती हुए नित्तू बच्चे को तो इसमें मौका भी दे सकता हूँ मैं, दबा के मौका। उसकी ब्रेक आगे वाली कैसी हो गई, कभी लग रही है कभी ना लग रही। हाँ मुझे ऐसा लगता है आप सिटी में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चला पाओगे उसके मुकाबले, इसका जो टायर है ना वो नॉन रेडियल है, गोलू मोलू सा टायर है इसका, ऐसा गोल सा। मैं पूरा देखो अपराइट होके बैठा हूँ, ये मैं नॉर्मल स्ट्रेट हूँ, ये मैंने हल्का सा बहुत माइनर सा एग्रेसिव बैठना है इसके अंदर। अगर आपको पूरा इसके अंदर R15 वाला एग्रेसिव पोस्चर चाहिए तो आपको थोड़ा सा पीछे होके बैठना पड़ेगा ऐसे, तो आप अच्छे से चला पाओगे इसको। और वाइब्रेशन वगैरह की मैं बात करूं, देखो यार वैसे इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं, मैंने बहुत बार चलाई है, पर जब मैं R15 से इसके ऊपर आया ना पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर वाइब्रेशन लगी, तो ये चीज़ तो है भाई, थोड़ा सा झोल झाल तो है। मीटर आपको उसके अंदर बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये नेगेटिव डिस्प्ले है और बहुत बुरी सी है। ये तो निकलती जा रही है भाई, ऐसा लग रहा है इसके अंदर भी वीवी है। कहीं पे भी किसी भी लाइन में चले जाओ आप, ओवरटेक कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो कहाँ है बच्चा, मैं तो बहुत दूर रह गया। पर इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना यार, कई बार वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता हाई स्पीड पे जो R15 में आ जाता है, क्योंकि इसके USD एक्चुअल में बढ़िया है यार, उसमें आपको मीटर अच्छा मिल जाता है। देखो इसके अंदर स्लीपर क्लच है, उसके बावजूद भी इसका क्लच बहुत टाइट है यार, पता नहीं कैसा स्लीपर क्लच बनाया उन्होंने, स्लीपर असिस्ट क्लच, सॉरी माफ हो गया माई मिस्टेक। ये देखो बहुत टाइट है उसका, बहुत ज़्यादा लाइट है यार, मतलब पैसे ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा सा वर्थ तो निकलता है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा वर्थ निकलता है। फिर ऐसा लग रहा है तो चोर चल रहा है गाड़ी भगा रहे बस। और मेरा फोन तो नहीं गिर गया, हाँ ये पजामा ऐसा सही है भैया, ढीला सा, जोकर जोकर क्या बोलते हैं इसे जोकर जोकर जो भी। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सिटी में भाई ये ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है XMR, और इससे आप वर्थ भी निकाल लोगे, क्योंकि ये 2,04,000-5,000 रुपये की है और इसमें आपको 200cc का इंजन मिलता है। हीरो की गाड़ी है तो खर्चा ज़्यादा सोचना मत कि बहुत खर्चा कराएगी, पर अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इंजन चाहिए ना
तो भाई वो कहीं ना कहीं यामा का ज़्यादा अच्छा है। ये चलता नीतू, उस गाड़ी से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी है इसकी। चल रहा है, आंटी देख रही है। तो यार मैं ऊपर लेके गलत आ गया, गाड़ी ऊपर मुझे लानी नहीं चाहिए थी वैसे, क्योंकि ऊपर का सीन ना थोड़ा सा गलत ही है, पर मैं ऑफ रोड करने के चक्कर में ले आया। सही है, कोई नहीं, बढ़िया। और चलो भाई आज ब्लॉग को तो इतना ऐड करते हैं। दोनों गाड़ी के अपने अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग खामियाँ हैं, जो मैंने इस वीडियो में बता दी हैं, बाकी आप लोग देख लेना। और हाँ भाई, वो पावर बहुत लैग करती है पिलियन के साथ, मेरे को वो सामने R15 देख के पता चला। निकाल लेता हूँ, वो पिलियन के साथ आ रहा ना, देखो पावर लैग करती है बहुत ज़्यादा। और ये भाई शॉर्ट राइडर्स के लिए मत सोचना अच्छी है, ये तो बेकार है शॉर्ट राइडर के लिए, जबकि इसकी सीट हाइट कम है 810 या 11 mm है, पर इस पर मेरे पैर नहीं आ रहे, 5.5 फीट हाइट है मेरी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।